गांव में आज जिस या न्यू ईयर में है तू हैप्पी गॉट टर्म मैं कभी कभी थोड़ी देर तक मैं आग सेकूंगा वेली गैर कैन वे हैं ये और ले ली हाँ ये लाठन के धन में विवाद But now I've run miles away. Sometimes I couldn't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my melodies. I knew that this was the day. धुआं भी निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है। ये आते हैं क्या रुकते हैं मजे एकदम क्या बताएं क्या। हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों गांव में आज मेरा तीसरा चौथा दिन है, बीच में मैं चमियाला चला गया था। तो आज यार मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, हद से ज़्यादा ठंडा जिसे बोलते ना वो वाला। और मैं सेक रहा हूँ अभी क्या आग, यहाँ पर हमने थोड़ी लकड़ियाँ वगैरह जलाई एंड मम्मी भी आग सेक रही हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा, फूह इतना ज़्यादा ठंडा है कि क्या बताएं, हद से ज़्यादा। अभी मुझे लग रहा है कि दिसंबर 25 या न्यू ईयर तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी जितना ठंडा पड़ रहा है। और ये देखिए मेरे पीछे हैं यहाँ पे गांव के छुटर पुटर। अबे मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? ओ अबे आगे अच्छा अच्छा ये देखिए सबसे शैतान है ये, एक नंबर ही शैतान है। अलग अलग घर की लगता कुर्बाना है बहुत ज्यादा इन चानू में। हाँ एंड ये सबके सब शैतान की मैं है। हाँ तू शैतान है सही में है तू। हाँ भी घाटा हूँ मैं कभी कभी डरता नहीं हूँ मैं। अच्छा नहीं डरता तू क्यों? बाघ देखी बिना डर दू। और देख लीजिए कितने शैतान, ये देखिए इस शैतान को। हाँ क्या खा रहा है, क्या खा रहा है बता? पता नहीं क्या जी, मैं पूछ रहा हूँ ना तुझे, तू बता दूँ क्या खाणू? हाँ माल्टा चो खाणू, बीमार हुआ तेन ये ठंड में खाणू है नहीं हुआ तू, अब वर्दी के लिए नहीं होता यार तेन। स्कूल नहीं कपड़ा हो तो आज तो हीरो चलो तू है? आज हीरो च दिखाणु नी। अच्छा डांस करी दिखाओ थोड़ा आज। आजा क्या हुआ? और सुना बड़ी कितना बना बेजी मेरी खुद है? कसम से ओ तेरा सो ऐसे दाग भर जाना है ना ना से बात से। अच्छा खुद कोई नहीं आज कर दूं मैं फोन तो होते ना कहाँ चल बम्बे है ना आज थोड़ी देर तक मैं आग सेकूंगा उसके बाद देखता हूँ कहीं जाता हूँ कि नहीं। और ये देखिए जी ये बीमार होगा ये पक्का, माल्टा कैसे खाऊं तू ते मान बोन तो तभी चुप ना मैं वीडियो ना प्रूफ है जालू आप जो खाऊं ये बच्चों को जरा देखते हैं कर क्या रहे हैं उधर। हो यहाँ हद से ज्यादा ठंडा है यार। हला कैसन का ना तू कैच कर क्या वो बोतल ओवर आ रहता है क्या बोतल ओवर आ यू यू हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो क्यों होता अरे मैं जगह लो हाँ तुम्हारे माल्टा चोरी कर रहा है माल्टा चोर हाँ माल्टा चोर मैं माल्टा चोर ये हमारे माल्टा चोर आ रहे हैं तेरे को मैं बताता हूँ अभी मैं फतोड़ता हूँ तेरे को कहो चो भाग लो रुक रुक
अच्छा अच्छा अच्छा, गिरना मत गिरना मत कार। आ जा आ जा आ जा, मजाक कर रहे, भागी किसू? हाँ क्या है कहोगे? चलेगी गाइज? ये ही वो जगह है, आपने मेरा अगर पीछे का एक ब्लॉग देखा होगा लास्ट डे एज अ विलेजर, तो उसमें मैं यहाँ से कंकोड़े उतार रहा था, पूरी बेल वेल लगी हुई थी, एंड अभी देख लीजिए बिल्कुल सूख गया है सब खत्म। अब ये देखिए शैतान फिर से वापस आ गया, अब इसका माल्टा छीन लूँगा मैं, भाग गया। अच्छा भाग मत, गिरना मत यार। ये लाठन पिटन में आज ये जो हाथ मन ना पकड़े दुई अलग। तो जी आग बहुत सेक लिया हमने, अब चलते हैं थोड़ा सैर करने गांव की, बट अभी अंधेरा भी होने को है, तो मेरा तो वैसे मूड करता नहीं है 24 घंटे घर ही में यहीं पे पड़े रहने का, तो अभी चलते हैं हम कहाँ, थोड़ा सड़क की ओर। ये देखो आपको घसेरी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों, ये हमारे नवाड़ की घसेरी हैं, ये अभी घास निकाल रही है अपने गाय भैंसों के लिए। हेलो, हाँ गुखा कचुबो नहीं तो सारी वीडियो में भेज दी कहते हूँ गुखा हैं, कंचन हंसना है ये भाई भेज चल गिन हैं, अब नहीं हंसन चल गिन भेज नि चल गिन ना अब, ओ अच्छा मग भी चल गई था तो यही है यार गांव का माहौल है ना, बड़ा ही अच्छा सा। उई माँ, ओहो अभी गिर गया था मैं जी। चलते हैं अभी जरा सड़क की ओर, आज बडोनी जी को हम कवर करेंगे अपने इस ब्लॉग में, मिलवाते हैं आपको बडोनी जी से, बहुत ही मस्त आदमी है भाई जी। और ये देखिए हमारी भतीजी यहाँ पे काम करके आ रही है, अपने कपड़े उपड़े धो के आ रही है धारा से ना, कौन धार बेटी ओ। तो जी अभी चलते हैं हम सीधा, और ये देखो जी आज बादल ही बादल हो गए हैं, कहीं ये ना हो कि बरस जाए, अगर बारिश होगी तो उसके बाद ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हो रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगन। तो जी ये है यहाँ का स्कूल, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था ये, और फिलहाल तो अभी बंद हो गया, सुबह अब खुल गए वैसे ऑलमोस्ट स्कूल। तुम भी यहीं पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? सेवन्थ स्टैंडर्ड में हो तुम? ओके, तो आजकल खुल गए तुम्हारे स्कूल? हाँ। तुम्हारा नाम क्या, पहले नाम बताओ। मयंक। पूरा नाम? मयंक राणा। अच्छा राणा हो आप भी, ठीक। तो कैसा चल रहा है आजकल स्कूल वगैरह तुम्हारे? अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं, पढ़ रहे हो? गुड। अभी कहाँ जा रहे हो? दुकान जा रहे हो? चलो आ जाओ, हम भी दुकान ही जा रहे हैं, लेट्स गो। और वाह यार ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया यार, अभी मैं मतलब आग से उठ के आया हूँ ना, तो मुझे फील होना शुरू हो गया है। और हमारे गांव से ऊपर जैसा कि आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, बदानी ताल है, बांगर है, तो बांगर में तो और ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वाला ठंडा। एंड वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है ना, मतलब स्नोफॉल होती जब वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है वहाँ का नज़ारा, और देखने लायक होता है बांगर पट्टी के सारे गांव, मतलब आप खलियान से शुरू हो जाओ और आगे जितने भी गांव आते हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा सुंदर हैं।
तो जी अभी हम आ गए हैं यहाँ पे बड़ोनी जी की दुकान पे। ये देखिए हमारे बड़ोनी जी, समय धुआं भी निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है मुंह से, हाय हाय धुआं भी निकल रहा है, बीड़ी का धुआं भी यूं आ रहा है ब्लिंक कर करके। ऐसे ही बात है। और भैजी क्या हो रहा है? बस ठीक है। ये हमारे भैजी हैं, बहुत खास हैं, हम जब भी आते हैं इनके यहाँ रुकते हैं, मजे एकदम, क्या बताएं, इनके यहाँ खाने पीने के हमारे पूरे खुले मजे लगे हुए हैं, जो मन करता है हमारा उठा के खा लेते हैं हम, कई बार पैसे भी नहीं देते कोई, फिर भी ले ही लेते। ये हमारे गुलाब सिंह जी आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे आगे भूतपूर्व कमांडेंट ऑफिसर गुलाब। और भाई तब ठंडा यार बढ़ गया है, ठंडा बादल तो छाए गए, बर्फ पड़ती है ना, बर्फ पड़ती है बांगर तो पड़ती है, और यहाँ भी डेफिनेटली है कि यहाँ भी पड़ेगी इस बार ना, इस बार ठंडा से ज़्यादा है। ये हमारी चोपड़ा की वादियाँ हैं। हाँ, ये सामने दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सामने आप देख रहे हो, सामने सिर्फ आपको एक गांव दिखाई देगा, उसका नाम है चोपड़ा, जो कि वो वहाँ है, और ऊपर से नीचे तक और यहाँ से वहाँ तक सारे जंगल ही ऑल टोटल है ना इस पहाड़ी तक, कोई गांव है नहीं, और उससे उधर भी जंगल ही है। अच्छा, उससे पीछे भी जंगल है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी फॉरेस्ट रेंज है यहाँ पे यही वाली, जो कि बहुत बड़ी है, उत्तरी रेंज है ना, उत्तरी रेंज, और सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जंगल दिखाई देते हैं यहीं पे, हमारे गाँव से ऊपर भी है, मतलब मेरे हिसाब से ये ज़्यादा है, पर हाँ ये इसका वर्ग ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है ना इसका एरिया जो सामने का, वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे वो गाँव है चोपड़ा, और उससे सिर्फ उधर भी जंगली हैं, उससे ऊपर भी जंगली हैं, इधर भी सारे जंगली हैं नीचे तक, फिर वहाँ से वहाँ आते हैं कुछ गांव बस। एंड गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं और भैजी 60 रुपए की हैं भाई, 62 रुपए की हैं, 60 रुपए में दे दें, दुकानदार है बहुत ही कड़क, बोल किसी को 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ेंगे नहीं, मोटी कॉपी है 60 रुपए की। ओह और यार मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैं और भैजी हैं, भैजी 62 के 60 में दे दो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, खेड़ पर्वत। हाँ खेड़ पर्वत जाएंगे, पक्का जाएंगे। हमने प्लान बनाया हुआ एक जगह यहाँ पे खेड़ पर्वत, जहाँ पे आछड़ियाँ, हमने सुना है ऐसा कि रात के समय आछड़ियाँ देखने को मिलती हैं वहाँ पे, तो हम लोग जरूर जाएंगे, और हमारे भैजी भी जाएंगे, हमारे भैजी यहाँ आए हैं गाँव में आजकल बाहर दुबई से, स्ट्रेट फ्रॉम दुबई। कैसा लग रहा है भैया आजकल यहाँ पे? बढ़िया है। और आजकल मैंने देखा आप भी वीडियो बना रहे हैं, आपने दिखाया था, आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं ये भी हैं, टाइम पास कर रहा हूं यार आजकल ना, आजकल सभी को व्लॉगिंग का नशा चढ़ा है, मतलब अच्छा है यार, करनी चाहिए है ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए, जो भी जहां भी फील करते हैं हम लोग, तो भैया भी मतलब व्लॉगर हैं, और जब ये मतलब कम से कम 10-15-20 वीडियोस डाल देंगे ना, तब मैं इनकी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, क्यों मैं जरूर डालूंगा, एंड आप भी चलिएगा हमारे साथ खेड़ पर्वत, हम एक प्लान करेंगे। अब भैया आप बोल दिया आपने, अब मैंने वीडियो में बोल दिया, अब लोग पता है मेरे को कमेंट में लिखते रहेंगे कि खेड़ पर्वत कब जा रहे हो, बिल्कुल जाएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्या होता है एग्जैक्टली, खेड़ पर्वत एक जगह है जहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ पे आछड़ी देवियाँ, आछड़ी परियाँ जिसे बोल लीजिए, हाँ, परी बोलते हैं हम, परियाँ वो कहते हैं, उनका वास है वहाँ पे, और हम देखना चाहेंगे, और हम रात को वहाँ पे स्टे भी करेंगे उसी जंगल में, तो जल्दी वो वीडियो भी आएगी, और इसी के साथ चलते हैं हम, और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, सी यू गाइस। बड़ोन जी कुछ कहोगे आप? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, तो आप खेड़ पर्वत पर मैं जब जब आएंगे तो वहाँ की मोमेंट ही ठीक है, वहाँ का सारा आप ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल है ना, वहीं वहीं मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, और आप आंसर दोगे कहाँ से चलना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू।